Anishtha. I study in second class Sunflower. Today I'm going to tell a few lines about Sister Nivedita. Sister Nivedita was a disciple of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda gave her the name Nivedita, meaning dedicated to God. Her real name was Margaret Elizabeth Noble. She was born on 28 October 1867. She was an Irish teacher and social activist. Sister Nivedita met Swami Vivekananda in 1895 in London and later travelled to Kolkata in 1898. During the plague epidemic in Kolkata, in 1899, she nursed and took care of the poor patients. She opened a school in Kolkata for girls who were not allowed to study in those days. Sister Nivedita is also known for her active contribution in the Indian nationalism. She loved India as her motherland. Sister Nivedita died on 30 October 1911 in Darjeeling. जब कर्म एक ही व्यक्ति का न रहकर एक ध्येय से प्रेरित संगठन का हो जाता है, तब कर्म शक्ति में ज्वार आता है, सभी बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं। इसी विचार से प्रेरित होकर आज मैं सानवी गंगावर ने आदरणीय सिस्टर निवेदिता जी को शतशः नमन करती हूँ। वे हमें देश प्रेम के विचार विरासत में दे गए हैं। हालांकि सिस्टर निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ था, उनका वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारतीय की सेवा की। स्वामी विवेकानंद जी उन्हें भगिनी निवेदिता नाम से संबोधित करते थे। भगिनी निवेदिता ने हमेशा कहा, आज तन मन जीवन धन सब कुछ हो जाए समर्पण, राष्ट्रहित की सेवा में हम करें सर्वस्व अर्पण। धन्यवाद। प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 20 अक्टूबर को हम सब की प्यारी सिस्टर निवेदिता का जन्म दिवस है। वह एक शिक्षक होने के साथ साथ लेखिका, समाज सुधारक और स्वामी विवेकानंद की शिष्या भी थी। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1867 में हुआ था। उनका मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। उन्होंने अपना पूरा बचपन आयरलैंड में बिताया और अपने शिक्षक पिता से जीवन के कुछ अनमोल पाठ भी सीखे, जैसे मानव सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। सिस्टर निवेदिता के जीवन को एक नई दिशा मिली जब वह 1895 में लंदन में स्वामी विवेकानंद से मिली। सिस्टर निवेदिता स्वामी जी के विचारों से इतनी प्रभावित हुई कि आगे चल के उनकी शिष्या बनी। 1898 में वह कलकत्ता आई। स्वामी विवेकानंद ने अपनी शिष्या को एक नया नाम दिया, सिस्टर निवेदिता, जिसका हिंदी में अर्थ है भगवान को समर्पित। सिस्टर निवेदिता ने तब एक बालिका विद्यालय खुलवाया और खास तौर पे उन्होंने महिला शिक्षा को पढ़ाने में और फैलाने में भी बहुत मदद की। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी। तब 1899 में कलकत्ता के महामारी के समय उन्होंने दिन रात एक करके मरीजों की सेवा की। तब से सिस्टर निवेदिता का नाम समाज के लिए भलाई और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। आज भी उनकी समाधि लेख पर लिखे शब्द हम सब के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। वह अंग्रेजी शब्द है, हियर लाइज सिस्टर निवेदिता हू गेव हर ऑल टू इंडिया, जिसका हिंदी में अर्थ है, यहाँ विश्राम कर रही है सिस्टर निवेदिता, जिन्होंने अपना सब कुछ भारत को समर्पित कर दिया। धन्यवाद।
Good morning everyone. My name is Urvika and I'm from 5th Esther. Today I'm going to sing a song which is dedicated to Sister Nivedita. आत्मत्यागे रोक्ते लिखा भालु भाषा रोके नाम भज्र मुकुट सुशोभिता तुमी निवेदिता निवेदिता निवेदिता। आत्मत्यागे रोक्ते लिखा भालु भाषा रोके नाम भज्र मुकुट सुशोभिता तुमी निवेदिता निवेदिता निवेदिता। राम कृष्ण विवेकानंद मय प्रभे अलोकिता तुम्ही समहिता हे महातपशी पूर्णिमा शिशी हे महातपशी पूर्णिमा शिशी निवेदिता तुम्ही मा। नमस्ते, सिस्टर निवेदिता को यह नाम किस प्रकार मिला और वे किसकी शिष्य यानी स्टूडेंट थी, चलिए यह हम जानेंगे इस नाटक के द्वारा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी भाषण देने लंदन गए थे। भाषण को सुनने के लिए मार्गरेट एलिजाबेल नोबल भी आई थी। स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही प्रभावपूर्ण भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा, संसार का नया निर्माण करने के लिए मुझे लोगों की जरूरत है जो अपनी पूरी जीवन संसार सेवा में दे दे। अगर मुझे सिर्फ 20 लोग सेवक भी मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का भाषण सुनकर मार्गरेट एलिजाबेल बहुत प्रभावित यानी इंस्पायर हुई। अगले दिन वे स्वामी जी से मिलने जाती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आप कौन और इतनी सुबह मुझसे मिलने आई हैं? क्या बात है देवी जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? स्वामी जी, आपका भाषण सुनकर मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ और मैं आपसे मदद चाहती हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ देवी जी? स्वामी जी, मैं सत्य की खोज और मन की शांति के लिए भटक रही हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करें, मैं आपका शिष्य बनना चाहती हूँ। मैं आपके बताए मार्ग पर चलना चाहती हूँ। जिस रास्ते पर मैं चलता हूँ वो रास्ता बहुत कठिन है। मैं हर मुसीबत और कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तुम भारत आकर गरीबों की सेवा करो। भारत की लड़कियों, महिलाओं, औरतों को पढ़ना लिखना सिखाओ, यही मानव सेवा ईश्वर सेवा है। स्वामी जी, मैं भारत आकर आपके बताए मार्ग पर चलूंगी। इस उपकार को कभी नहीं भूल सकती। मार्गरेट एलिजाबेल भारत आती है और स्वामी विवेकानंद जी की शिष्य बनकर स्वामी जी के कहे मार्ग पर चल पड़ती है। मार्गरेट पूरी लगन निश्चिता के साथ समाज सेवा मानव कल्याण के काम में लग जाती है। मार्गरेट एलिजाबेल की यह समर्पित भाव लगन देकर गुरु स्वामी विवेकानंद जी उनसे कहते हैं, मैं तुम्हारी लगन भाव सेवा समर्पित भाव देशप्रेम लेकर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ। तुम सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी जाओगे। धन्यवाद स्वामी जी, गुरु बनकर आपने मेरा मार्गदर्शन किया है, इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। जीते रहो, गॉड ब्लेस यू। इस तरह से मार्गरेट एलिजाबेल नोबल का नाम सिस्टर निवेदिता पड़ा। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। అందరికీ శుభోదయం. నేడు సిస్టర్ నివేదిత జయంతి సందర్భంగా
ఆమె గురించి నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకుంటాను. సిస్టర్ నివేదిత అసలు పేరు మార్గరెట్ ఎలిజబెత్ నోబెల్. ఆమె 1867 శామ్యుయల్ రిచ్మండ్ మేరీ అనే దంపతులకు ఆమె జన్మించారు. మహిళలు విద్యావంతులైనప్పుడే దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది అని ఆమె ప్రగాఢ విశ్వాసం. చిన్నతనం నుండి తండ్రి మాటలకు ప్రభావితురాలువయ్యి ఉపాధ్యాయురాలుగా 10 సంవత్సరాలు పనిచేశారు. 1895 వివేకానందులు లండన్లో చేసిన ప్రసంగాలకు లోనే 1898 భారతదేశం చేరుకున్నారు. భారత్లో ముఖ్యంగా బాలికలకు విద్య అందించడానికి కోలకత్తాలో ఉన్న బాగ్ బజార్లో ఒక పాఠశాలను ప్రారంభించారు. కనీస విద్య లేని బాలికలకు విద్య అందించడమే లక్ష్యంగా పనిచేశారు. ఆమె రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, జగదీష్ చంద్రబోస్ వంటి ప్రముఖులను కలుసుకొని స్నేహ బంధాలు ఏర్పరచుకున్నారు. వివేకానందుని శిష్యురాలుగా ఆమె ఎంతో ప్రముఖ పాత్ర పోషించారు. స్వామి వివేకానందుడు ఆమెకి నివేదిత అని నామకరణం చేశారు. నివేదిత అనగా భగవంతుడికి సమర్పించబడింది అని అర్థం. 1906 బెంగాల్లో వరదలు వచ్చినప్పుడు ఆమె ఎంతో సేవ చేశారు. స్వామి వివేకానందునితో కలిసి ఎన్నో దేశాలు పర్యటించి ప్రసంగించారు. 1911 ఆమె డార్జిలింగ్లో తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆమె పేరు మీద ఎన్నో పాఠశాలలు, కళాశాలలు నిర్మించబడ్డాయి. ధన్యవాదములు. డియర్ ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ అండ్ టీచర్స్, నమస్తే. మై డియర్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. I am Shriyash from Third Lotus. Today I am going to tell about Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was born on 12th January 1863 as Narendranath Dutt. His parents were Vishwanath Dutt and Bhuneshwari Devi. He was one of the most popular Hindu monks, the patriotic saint of India and disciple of Ramakrishna Paramahamsa. Swami Vivekananda's birth anniversary is celebrated as National Youth Day on 12th January every year. This festival helps inspire the younger generations and inculcate the moral ideals of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was a great leader and philosopher who represented India on international stage and won the hearts of the global audience. He gave his world famous speech in Chicago, USA. Swami Vivekananda worked continuously to serve mankind. Sister Nivedita met Swami Vivekananda in 1895 in London. Swami Vivekananda inspired her into the vow of Brahmacharya. Swamiji wanted that under her care, the women of India be looked after to improve their health and education. Swami Vivekananda said, "England has sent us another gift in Miss Margaret Nowell." Swami Vivekananda said, "Arise, awake and stop not till the goal is reached. The end of all education, all training should be man-making. Education should create faith in oneself. It should create self-confidence and self-reliance through concentration and dedication." Swami Vivekananda died on 4th July 1902 in Bellarmut, Howrah. His ideas have always inspired people and will always serve as a source of energy for future generations. Thank you. My heart soars up with appreciation when I think about your devotion and the sacrifice you did for our nation and the sacrifice you did for our nation. So Mother India gave you birth in Ireland. Her purpose was not to leave you in Western dreamland. Your mother chose your master well. So Swami Vivekananda met you without any tinge of dismay. Cradle Tales of Hinduism is your book, where we find ancient Indians every nook. When either tales attend, I feel I'm lifted up to the heaven. God bless you, our soul sister. God bless you, our soul sister. You will remain in our hearts forever and forever. You will remain in our hearts forever and forever.
नमस्ते गुरुजनों, मैं हूँ शिवांश मिश्रा और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। दोस्तों, आपने सिस्टर निवेदिता का नाम तो सुना होगा। आज मैं आपको सिस्टर निवेदिता के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। सिस्टर निवेदिता का असल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल है। निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा 17 साल में ही पूरी कर लिए थे। निवेदिता को धर्म और जाति के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी। सत्य की खोज करते करते उन्हें स्वामी विवेकानंद मिले। एक बार जब निवेदिता स्वामी विवेकानंद के भाषण सुन रहे थे, तब वो उनसे इतनी प्रभावित हुई कि वो अपनी पूरी जीवन सत्य की खोज और सेवा में लगा दिया। निवेदिता 1896 को भारत आई और 1898 में स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल का नाम सिस्टर निवेदिता रखा। जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तब उन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने लगी, जहां वो रामकृष्ण मिशन से भी जुड़ी। उनकी एक इच्छा थी कि पूरी भारतीय महिलाएं शिक्षित हों और वो भारतीय महिलाएं की बहुत सम्मान और आदर करती थी। उनकी देहांत अक्टूबर 1911 भारत में हुआ। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Avika, student of class 5 Lotus. Today I am going to tell you a speech on Sister Nivedita's life. So let us get started. Margaret Elizabeth Noble, known as Sister Nivedita, was born on 28 October 1867 in Ireland. She was devoted to her father's idols and dreams and she caught the spirit of selfless service. She learned many valuable lessons like service to mankind is a service to God. At the age of 6, she learned how to offer and read, to visit the old and sick people and read the holy book aloud to them. In November 1895, she met Swami Vivekananda for the first time, who had come from America to visit London. His lectures inspired her and took decision to follow Swami Vivekananda. Margaret expressed her desire to serve India and its people on 17th March. Swami Vivekananda gave her the name Nivedita, meaning dedicated to God. She opened a girls' school in Bagh Bazar area in Calcutta. She and teached young girls who were in those days not allowed to study. Sister Nivedita used to personally go to the parents and requested them to allow their daughters to attend the school. In the Plateau Academy in Calcutta, Nivedita nursed and took care of the poor patients. She connected her in many social works and became closely connected with Indian nationalism as she loved India as a motherland and the Indians as her brother and sister. She died on 1911 in October in Darjeeling. Bye-bye. Take care. Thank you. Namaste. My name is Ankit Hazra. Aaj main सिस्टर निवेदिता उपलक्ष्य एक गाना गाने जा रहा हूँ। भद्रता के रक्त लेखा भल बसारा का दाम भज्र मुख सुशोभिता को निवेदिता 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 भद्रता के रक्त लेखा भल बसारा का दाम भज्र मुख सुशोभिता को निवेदिता निवेदिता राम कृष्ण विवेकानंद निवेदिता।
नमस्ते, मेरा नाम शिवा मुस्कान है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको शिष्य निवेदिता जी की कुछ लिखी हुई पंक्तियाँ सुना रही हूँ। हम मनुष्य हैं, पशु नहीं। हम बेचारे मुख नहीं, हम चैतन्य हैं, केवल शरीर नहीं। हम ज्योतिर्मय हैं, मूर्तमय नहीं। विचार और साक्षात्कार, चिंतन और दर्शन, यही हमारा जीवन है। केवल खाना पीना और सोना, यह किसी मनुष्य का जीवन नहीं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम के वंशिका, मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आपके साथ सिस्टर निवेदिता के कुछ विचार बांटना चाहती हूँ। सब कुछ हमारे मन पर अवलंबित है। बाह्य जगत की अपनी कोई शक्ति नहीं, हम उसे जो देंगे वही उसकी शक्ति। बाह्य जगत कितना ही प्रभावशाली क्यों ना दिखाई दे, वस्तुतः वह हमारे मन का एक खिलौना मात्र है। अपने मन के विचारों की क्षीण अभिव्यक्ति मात्र है। भगवान बुद्ध कहते थे, हम जो कुछ हैं अपने विचारों का फल है, अपने चिंतन का परिणाम है। हमारे जीवन का अधिष्ठान हमारे विचार है। विचार ही हमें आकार, रंग, रूप प्रदान करते हैं। धन्यवाद।